أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, ये है सूरह बनी इसराइल 12 नंबर 15। ये सूरत मक्की है, यानी हिजरत से पहले नाजिल हुई है। इस सूरत में 12 रुकू है और 111 आयतें हैं। कुरान में 114 सूरतें हैं, हर एक के नाम अलग अलग हैं। सूरतों के नाम किस तरीके से तय किए जाते हैं, तो ये कुरान का एक एजाज है कि एक एक सूरत में कई ज्यादा टॉपिक होते हैं, कई ज्यादा मजामीन होते हैं, उनमें से किसी एक मजमून का नाम रख दिया जाता है। कुरान का एजाज इस तौर पर कि आदमी कोई आर्टिकल लिखता है तो उसमें एक टॉपिक होगा, दो होंगे, पांच होंगे, लेकिन कुरान की एक एक सूरत में कई टॉपिक होते हैं, कई मजामीन होते हैं, उनमें से किसी एक मजमून को सामने रखकर नाम रख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर पहली जो सूरत है सूरह बकरा, बकरा का माना होता है गाय, चूंकि उस सूरत के अंदर बनी इसराइल का एक वाकया बयान किया गया, उस वाक्य में गाय का जिक्र है, इस मुनासबत से उस सूरत का नाम रख दिया गया सूरतुल बकरा। नमल, नमल कहते हैं अरबी जुबान में चींटी को, कीरी। उस सूरत में उसका तज़किरा है तो उस सूरत का नाम सूरतुल नमल हो गया। सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा है तो सूरह यूसुफ नाम रखा गया। इसी तरह इस सूरत के अंदर इस सूरत का नाम है बनी इसराइल, तो चूंकि इस सूरत के अंदर बनी इसराइल का भी तज़किरा है, एक मजमून और टॉपिक ये भी है, इस मुनासबत से इस सूरत का नाम है बनी इसराइल। 111 आयतें हैं इस पूरी सूरत के अंदर। तीन चार चीजें खास तौर से बयान करना मकसूद है। एक तो आखिरत की जिंदगी का यकीन दिलाना कि मरने के बाद की जिंदगी हक है, ये कोई झूठी चीज नहीं, जिसको हम बास बादल मौत कहते हैं, मरने के बाद दोबारा जिंदा हो। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को साबित करना है कि हुजूर अल्लाह के रसूल। तीसरी चीज, इस सूरत के जरिए मुशरिकी ने मक्का को तंबीह और वार्निंग देना मकसूद है, मेराज का वाकया बयान कर। और चौथी चीज, यहूदियों और अहले किताब को भी तंबीह और तफहीम, यानी वार्निंग भी है और उनको समझाया भी गया है। और पांचवी चीज, इस पूरी सूरत के अंदर अखलाकी लाइन की बहुत ज्यादा तालीम दी गई कि एक मुसलमान कैसा हो और मुस्लिम मुआशरा और समाज कैसा हो, वो तमाम बातें इस सूरत के अंदर बयान की गई। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है, इस आयत का तर्जमा, बात है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। मस्जिद अक्सा जिसके आसपास में हमने बरकतें रख दी है, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उनको अपनी कुदरत के कुछ नमूने दिखा दें, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ही खूब सुनने वाले और खूब देखने वाले। मेराज के लक्ष्य से हम सब वाकिफ हैं, हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए थे। इस आयत के अंदर उस वाक्य को मुख्तसरन नकल कर दिया गया है, उसकी तफसील अहादीस में बयान की गई। और इसी तरह सूरह नज्म में 27वें पारे में शुरू की 18 आयतों में इसकी तफसील बयान की गई है कि मेराज में क्या क्या हुआ। पहली बात तो ये कि मेराज किस साल, किस महीने में और किस तारीख को पेश आया, उसमें इख्तिलाफ है, साल में भी इख्तिलाफ है। बाज़ी मुफस्सिरीन और मौरिखीन यानी तारीख लिखने वालों का कहना ये है
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया, यानी जब आपको नबुव्वत मिली, उसके 5 साल बाद मेराज का वाकया पेश आया। बाजे कहते हैं कि हिजरत से 6 महीने पहले पेश आया, बाजे कहते हैं कि हिजरत से 14 महीने पहले वाकया पेश आया, यानी 1.5 साल पहले तकरीबन ये वाकया पेश आया, और भी बहुत सारे अकवाल हैं। लेकिन ज्यादातर सही कौल हिजरत के 11 साल बाद का है। 40 साल की उम्र में आपको नबुव्वत मिली, नबुव्वत के 11वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराए गए, यानी आसमानों का सफर करवाया गया। ये कौल ज्यादा सही मालूम होता है। अब रही बात महीना कौन सा था, उसमें भी रबीउल अव्वल के भी अकवाल है, रबीउल आखर के भी अकवाल है, रमजान का भी कौल है, लेकिन ज्यादातर मुफस्सिरीन का कहना यह है कि रजब का महीना था। अब रजब के महीने के बाद तारीख कौन सी, उसमें भी इख्तिलाफ, एक तारीख थी, 15 तारीख थी, 13 थी, 27 थी। ज्यादातर का कहना यह है कि 27 तारीख थी रजब की, 27 रजब को ये मेराज वाला वाकया पेश आया। इसीलिए कुछ लोग वो भी हैं जो 27 रजब को नमाजों का अहतमाम करते हैं, हमारे यहाँ भी वो नजर आते हैं। मैंने अभी चंद दिनों पहले साथियों को सुनाया था कि हम जो है असल वक्ती तौर पर मुसलमान बन जाते हैं, कायम के मुसलमान नहीं रहते। 27 रजब को कुछ नमाजी आए मगरिब में और ईशा, और फिर फजर में नहीं दिखे, फिर गायब हो गए। तो मैंने मजाक में ये भी पूछा एक दो साथियों से कि रात को मेराज में गए थे, नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया, तो रात को मेराज में गए थे तो शायद नीचे उतरना भूल गए हो, तो फजर से वो दिखे नहीं। ऐसी बात नहीं, हम हमेशा के मुसलमान रहे, मौसम वाइज मुसलमान ना, पक्के और सच्चे मुसलमान बन रहे। खैर, एक चाचा दूसरे दिन मुझे मगरिब की अजान से 5-7 मिनट पहले मिले, वो गेट पर मगरिब की अजान में 5-7 मिनट पहले मुझसे पूछ रहे हैं कि रजब की 27 वो रात आज है, बड़ी रात आज है या कल हो गई। मैंने कहा सभी मेराज जिसको तुम कहते हो वो तो कल हो गई। फिर वो चाचा वहां से वापस हो गए, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आए क्योंकि मेराज की रात खत्म हो गई। ये हमारा सुलूक है ईमान के साथ, ईमान के अहकाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, पहली बात ये कि मेराज किस साल में पेश आया उसमें भी इख्तिलाफ, किस महीने में पेश आया उसमें भी इख्तिलाफ, और किस तारीख में पेश आया उसमें भी इख्तिलाफ। इसीलिए शबे मेराज की बाकायदा कोई इबादत मनकुल नहीं है। जब तारीख में ही इख्तिलाफ है तो फिर बाकायदा कोई इबादत कैसे मंजूर होगी। खैर, दूसरी चीज कि मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया, इतने हिस्से को इसरा कहते हैं, और फिर मस्जिद अक्सा यानी फलस्तीन से ऊपर 7 आसमानों का सैर कराया गया। ये जो ऊपर का सफर है उसको मेराज कहते हैं। पहला जो हिस्सा है जमीन का, जमीनी सफर का, वो इसरा कहलाता है, मक्का से मुल्के शाम तक का, मस्जिद अक्सा तक का, और वहां से जो ऊपर चले उसको मेराज कहते हैं। अब ये एहसास है, इज्जत है, इनाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये इनाम क्यों दिया गया, इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंजर क्या है इसका। तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक कानून है कि जो बंदा उसके दीन के खातिर जितनी ज्यादा कुर्बानियां देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस बंदे को इतना ज्यादा नवाजता है। हम बुजुर्गान दीन को, बड़े बड़े उलमा और बुजुर्गों को देखते हैं कि आदमी उनसे मुसाफा लेने के लिए कई कई किलोमीटर तक दूर का सफर करता है, और मुसाफा हो जा रहे उसको अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। वो अगर देख ले मुस्कुरा दे तो आदमी खुश हो जाता है। उनको ये मकाम और मर्तबा ऐसे ही नहीं मिल गया, उन्होंने दीन के खातिर बहुत कुर्बानियां पेश की होती हैं, बहुत ज्यादा इबादतों में और रियाजतों में आगे बढ़े हुए होते हैं, तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मकाम अता फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का तो क्या पूछना। नबुव्वत के ऐलान से पहले मक्का वाले भी आपको अमीन कहते थे, अमानतदार, सादिक कहते थे, सच्चे, और आपकी बात को मान लेते थे। दो आदमियों में झगड़ा हो, दो जमातों में झगड़ा हो, हुजूर के पास फैसला करवाते थे, अपनी अमानतें और कीमती चीजें हुजूर के पास अमानत के तौर पर रख जाते थे, सब कुछ ठीक ठाक था।
लेकिन जैसे ही आपको नबुव्वत से नवाजा गया और आपने अपने नबी होने का ऐलान किया, और वो मक्का वाले जो 360 बुतों की पूजा करते थे उनके सामने ऐलान किया कि ये झूठे बुत है, झूठे माबूद है, तुम्हारा माबूद हकीकी सिर्फ एक अल्लाह है, बस ये सुनना था कि मक्का वाले आपके ऐसे दुश्मन बन गए कि दुश्मनी में कोई तकलीफ ऐसी उन्होंने नहीं छोड़ी जो न पहुंचाई। किसी भी तरह हुजूर को जर्रा बराबर भी राहत नसीब न हो उसकी भरपूर कोशिश मक्का वालों ने की। आपको पत्थर भी मारे, आपको गालियां भी दी, आपके गले में चादर डालकर आपको घसीटा, आपकी पीठ मुबारक पर गंदगी भी रख दी, बहुत पिटाई भी की, बहुत गालियां भी दी, आपके रास्ते में कांटे भी बिछाए, हर किस्म की तकलीफ दी। यहां पर उन्होंने बस नहीं किया। आदमी की सबसे ज्यादा इंसल्ट और बेइज्जती ये है कि लोग उसका बायकॉट कर दें, उनसे ताल्लुक खत्म कर दें। बायकॉट मक्का वालों ने वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। 3 साल तक लगातार शिया बे अबी तालिब की घाटी में मक्का से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मानने वालों को कैद करके रखा गया, और इतनी सख्त पाबंदियां डाली गई कि न इधर का कोई आदमी बाहर निकल सकता था, न बाहर का कोई आदमी अंदर जा सकता था। उसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह दीन की दावत मक्का वालों तक पहुंचाते थे। इन 3 सालों में मुसलमानों की जो छोटी सी जमात थी, जिनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, उन्होंने बहुत कुर्बानियां पेश की, बहुत कुर्बानियां पेश की, हत्ता के भूख और प्यास की वजह से औरतों के सीनों में दूध नहीं उतरता था, जिसकी वजह से बच्चे भूख की वजह से बहुत रोते थे। उस रोने पर मुशरिकीन मक्का को तरस नहीं आता था, रहम नहीं आता था, बल्कि और खुश होते थे और तालियां बजाते थे और मजाक उड़ाते थे। लेकिन ये वक्त भी गुजर गया। दुनिया में खुशी का वक्त हो या गमी का, उसको गुजरना है, वक्त बहरहाल गुजर जाता है। ये वक्त गुजर गया, इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आई और जो मुआहदा लिखा गया था और उसको काबे के साथ चिपकाया गया था कि मोहम्मद के साथ और उनके साथियों के साथ पूरा मक्का बायकॉट करेगा, उसको दीमक खा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, देखा गया तो वैसा ही पाया। अब जब मुआहदा ही खत्म हो गया तो कैद खत्म हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले फिर मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए, फिर वही दीन की मेहनत शुरू, फिर बैठ नहीं गए। जब कैद में जाकर आए, अब इनके बारे में कुछ बोलने का नहीं, अपने बलि अपने काम बुला, अपना फैमिली बलि, ये काम नहीं किया, बल्कि फिर मेहनत शुरू की। मक्का वालों ने फिर आपको सताना शुरू किया। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इन मुसीबत की घड़ियों में जाहिरी असबाब के तौर पर 2 सहारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। जब पूरा मक्का आपको सताता, आप परेशान हाल होकर घर पर आते, तो घर पर आपकी गमखार बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद होती, आपको दिलासा देती, आपको तसल्ली देती, आपको सब्र दिलाती और हिम्मत दिलाती। वाकईतन ऐसी औरतें जो शोहरों को हैंडल करना जानती है, उसकी वजह से शोहर का सारा टेंशन खत्म हो जाता है। कि शोहर बार कामकाज से परेशान होकर कारोबार होता नहीं है, कर्जे में डूबा हुआ होता है, बिक्री और गिरावट होती नहीं है, और फिर शोहर घर पर आवे लेकिन औरत 2 मीठे बोल कह दे तो शोहर की दिन भर की थकान दूर हो जाती है, उसका हौसला बुलंद होता है, वो एक नई हिम्मत के साथ दूसरे दिन मैदान में निकलता है। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपका एक सहारा थे। जब पूरे मक्का वाले सताते, रात को आते, हजरत खदीजा आपको दिलासा देती, तसल्ली देती, आपको इत्मीनान होता। एक ये सहारा, और एक दूसरा सहारा था चचा अबू तालिब का। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद चचा अबू तालिब की परवरिश में थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चचा अबू तालिब बनू हाशिम खानदान के थे, और बनू हाशिम का खानदान बहुत बड़ा खानदान था और बहुत मजबूत और इज्जत वाला खानदान था। आज भी जो खानदान बड़ा होता है, मुआज्जज होता है, लोग उनसे छेड़छाड़ नहीं करते, पहले उनके खानदान बैकग्राउंड के बारे में जान लेते कि ये कौन से खानदान का है, फिर अपना पावर दिखाते हैं। ये आज भी तरीका है। बनू हाशिम बड़ा खानदान था। मुशरिकी ने मक्का हुजूर को सताते तो थे, लेकिन आपको बिल्कुल खत्म कर देने की ताकत उनमें नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने हुजूर को कत्ल कर दिया, नऊज़ बिल्ला शहीद कर दिया, तो
तो बनू हाशिम हमें छोड़ेंगे नहीं, हमसे बदला लेंगे, किसास लेंगे। इसलिए जिस्मानी तकलीफें पहुंचाया करते थे, लेकिन अबू तालिब की वजह से हुजूर को बहुत इत्मीनान नसीब होता था और हुजूर दीन की दावत लोगों में घूम फिर कर दे सकते थे। लेकिन शिया भी अभी तालिब से जब निकले 3 साल कैद के बाद, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल की हुई, तो चचा अबू तालिब दुनिया से रुखसत हो गए, एक सहारा टूट गया। उसके थोड़ी मुद्दत के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी दुनिया से रुखसत हो गए। अब 2 सहारे थे वो भी खत्म हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत दिखाना चाहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका मैं। दोनों सहारे खत्म, घर में छोटी औलाद है, क्योंकि हुजूर की अक्सर औलाद हजरत खदीजा के पेट से, हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा, ये हजरत खदीजा के पेट से औलाद है, छोटी छोटी औलाद है घर में। बाहर दुनिया पूरी मुखालफत पर उतरी हुई है, आदमी जाए तो कहाँ जाए, हुजूर बहुत परेशान। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लगता नहीं कि मक्का वालों के दिल नरम होंगे और उनमें कहीं रहम आएगा, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तय किया कि अब मैं जाता हूँ ताइफ, ताइफ वालों के सामने ईमान की दावत पेश करता हूँ, अगर उन्होंने मान लिया तो दीन की बुनियाद पड़ जाएगी और वहाँ से कुछ रास्ते खुल जाएंगे। बड़ी उम्मीदों के साथ मक्का वालों से मायूस होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे। सफ़र भी दूर दराज का था, बड़ी मशक्क़तों वाला सफ़र, और जितनी बड़ी उम्मीद थी उतनी ज़्यादा मायूसी हाथ लगी। ताइफ वालों ने तो तकलीफें पहुंचाने में मक्का वालों को भी पीछे छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली कूचे से गुजरते, बदमाश किस्म के बच्चों को आपके पीछे लगा दिया, वो बच्चे क्या करते, आपको पत्थरों से मारते, आपके पीछे तालियां बजाते, जोर जोर से आपको पागल दीवाना और मजनू कहते, और उनके मारने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से खून के फव्वारे निकल आए थे। और हम जानते हैं कि जब नबी का खून किसी ज़मीन पर बहाया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मीन वालों को ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही नबी का खून ताइफ की सरजमीन पर गिरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को भेजे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरिश्ते खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी आप हुक्म करें, ये जो 2 पहाड़ हैं जिसके बीच में ताइफ की बस्ती बसी हुई है, आप हुक्म करें, हम उनको ऐसे पीस देंगे 2 पहाड़ के बीच में कि इनका खीमा बना देंगे, आप इजाजत दें। अपने आप को भी जरा हुजूर के साथ कंपेयर करके देखें कि हम होते तो क्या सोचते और हुजूर ने क्या किया। हम होते तो यही कहते कि देखो अल्लाह की मदद आ गई, और कहते कि बहुत जोर से, जरा जोर से दबा रहे हैं और जल्दी खत्म करो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, दुनिया जहां वालों के लिए रहमत ही रहमत, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं, मेरी दावत को कबूल नहीं करते तो कोई हर्ज नहीं, मुझे उम्मीद है कि इनके आने वाली नस्लों में अल्लाह का नाम लेने वाले लोग पैदा होंगे। हुजूर ने उनके लिए दुआ फरमाई, उनको दुआ देकर जख्मी जिस्म के साथ कि आपके जिस्म मुबारक से खून बह रहा है, आप वापस मक्का आए। अब वो आदमी जो अपने शहर से निकाला गया हूँ खाली हाथ, बड़ी उम्मीद से ताइफ तक का सफ़र किया हूँ, वहाँ से भी खाली हाथ वापसी हुई हो, उसके हौसले कैसे टूट जाते हैं। अब मक्का वालों को डबल जोर आ गया कि चलो हम तो इनको धुतकारते थे, भगाते थे, ताइफ वालों ने तो हमसे ज़्यादा काम कर दिया, इनमें और जोश आ गया। जब जाहिरी तमाम असबाब मायूसी के जमा हुए, हुजूर मायूस नहीं हुए, लेकिन मायूसी वाले असबाब जमा हो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि मेरे महबूब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं, आपका रुतबा कम करना चाहते हैं, कम बताना चाहते हैं, अब आप देखो कि हम आपको कितना ऊंचे उठाते हैं। तो मक्का वालों ने और ताइफ वालों ने आपको नीचा दिखाना चाहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को उठाया, उठाया, इतना उठाया कि अर्शे मुअल्ला तक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को ले गया। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज था। लेकिन ये एजाज कब मिला? ढेर सारी कुर्बानियों के बाद। आज भी ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद अब हमेशा के लिए बंद हो गई।
अब तो इमाम मेहदी आएंगे, हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे तो ही बेरा पार होगा, ऐसी बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद हमेशा मोमिनों के साथ रही है और रहेगी, बशर्ते इन कुंतुम मोमिनीन, हम लोग सही माने में मोमिन बनकर रहे। हमारा एक अलमिया ये है कि हम कुर्बानियां देना नहीं चाहते, हर चीज़ में सहूलत तलाश करते हैं और फौरन हम इंतज़ार में रहते हैं कि जिब्राइल अमीन अभी आ जाए, फरिश्ते अभी मदद के लिए आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक तरीका है, एक तर्ज है कि आप पहले कुर्बानियाँ पेश करें, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आएगी। यानी पहला कदम हमें उठाना है, पहला स्टेप हमें लेना है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना स्टेप लेंगे और हमारी मदद होगी। खैर, अब मेराज में क्या क्या हुआ, बहुत सारे वाकयात पेश आए, इंशाल्लाह उसको तो हम कल जानेंगे, लेकिन खुलासा ये कि इन तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज की दौलत से नवाजा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है इकराम। अब इसमें एक बहस ये है कि मेराज में जो आप गए थे तो सिर्फ आपकी रूह गई थी कि जिस्म भी गया था? हमारा मानना ये, हम अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात का मानना ये है कि मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के साथ गए थे, जिस्मानी मेराज हुई थी। अब ये तो बहुत बड़ी बात हुई कि एक जिस्म, एक इंसान का जिस्म अर्श मुअल्ला तक जाए। इंसान अगर सही माने में मोमिन हो तो वह कहाँ तक पहुँच सकता है? इसलिए कहते हैं कि इंसान फरिश्तों से भी आगे बढ़ सकता है। हुजूर इंसान थे, बशर थे, कामिल बशर थे, कामिल इंसान थे, लेकिन आपका दर्जा फरिश्तों से ऊपर। एक मकाम वो आया कि जिब्राइल अमीन ने भी कह दिया कि यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वहाँ से आगे इंसान गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। इंसान अगर बिगाड़ पर आ जाए तो शैतान को पीछे छोड़ दे, और अगर सुधरने पर आ जाए तो फरिश्तों को पीछे छोड़। हमें तय करना है कि हमें किसको ओवरटेक करना है, शैतान को या फरिश्तों। खैर, ये बहस कि जिस्मानी मेराज हुई थी कि रूहानी, हम कहते हैं कि जिस्मानी मेराज हुई थी, पूरे जिस्म और रूह के साथ हुजूर वहाँ तशरीफ ले गए। अब उसके दलाइल चाहिए। हमारी शरीयत की खूबी ये है कि कोई भी बात दलील के बगैर नहीं कही जाती। ढेर सारी दलीलें इस बात पर मौजूद है कि मेराज जिस्मानी हुई थी, रूहानी नहीं हुई। उसमें से चंद दलीलें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पहली दलील कि जिस आयत के अंदर, यानी सूरह बनी इसराइल 15वीं पारे की पहली आयत में अल्लाह ताला ने मेराज का तज़किरा किया, उसमें सबसे पहला जो लफ्ज है वो है सुबहान, पाक है अल्लाह की जान। और सुबहान का लफ्ज अरबी ग्रामर के हिसाब से ताज्जुब के मौके पर बोला जाता है। जब कोई ताज्जुब खेज वाकया पेश आ जाए, अजीब बात बन जाए, वहां सुबहान अल्लाह बोलते हैं। हम भी बोलते हैं ना कभी ताज्जुब की बात सुनता, सुभान अल्लाह। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुभान का लफ्ज जिक्र किया, ये खुद इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हुजूर जिस्म के साथ मेराज के लिए गए हैं, क्योंकि सिर्फ अगर रूह गई होती या नींद की हालत में आपने ख्वाब में मेराज की होती तो ये तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ख्वाब में तो कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। मैं आपको कहूँ कि मैं अभी 3 बजे सो गया तो मैं मक्का गया, फिर वहाँ से मदीना गया, मस्जिद अक्सा गया, मुल्क शाम में मैं घूमा, तो आपको कोई ताज्जुब नहीं होगा क्योंकि मैं नींद में गया, और आदमी नींद में कहीं भी जा सकता है, इस पर कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैं जोहर की नमाज यहाँ पढ़ी और फिर असर की नमाज भी यहाँ पढ़ी, लेकिन जोहर और असर के बीच में यहाँ से भरूच गया, फिर वहाँ से 50 किलोमीटर मेरे गांव गया, फिर वहाँ से बड़ौदा थोड़ा काम था वो निपटाया, फिर वहाँ से अहमदाबाद गया, फिर मैं इधर आया, तो आप कहेंगे कि रोजे का असर मुफ्ती साहब पर शुरू हो गया? वही होगा, कोई यकीन नहीं करेगा। ये ताज्जुब की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुभान का लफ्ज लाकर कह दिया कि ये ताज्जुब खेज वाकया है, और ये उसी वक्त ताज्जुब के लायक हो सकता है जबकि जिस्म के साथ गए। और एतराज करने वालों को लफ्ज़ सुभान पर गौर करना चाहिए कि ले जाने वाला कौन है। अरे इंसानों के लिए ये चीज मुश्किल है, लेकिन ले जाने वाले के लिए कौन सी मुश्किल? इसलिए तो सुभान शुरू में कह दिया कि ताज्जुब मत करना, ये मेरा काम, कैसे हुआ वो सब तुम छोड़ दो।
तो एक दलील लफ्ज़े सुभान में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतहर के साथ मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए थे। उसके बाद इसी आयत के अंदर उसी लाइन में चौथा एक लफ्ज़ है बिअब्दिही, अपने बंदे को मेराज करवाए। अब अब्दुन यानी बंदा, तो बंदा किसको कहते हैं? सिर्फ रूह को तो कोई बंदा नहीं कहता, बल्कि रूह वाले जिस्म को बंदा कहा जाता है। इसमें भी इस बात की दलील मौजूद है कि मेराज जिस्मानी हुई है, रूहानी नहीं हुई या ख्वाब में नहीं हुई, हुजूर खुद गए हैं जिस्म के साथ। एक और दलील हदीस में है कि जब मेराज के लिए आपको ले जाया गया, उस वक्त आप उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर सोए हुए थे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको वहाँ से लेकर चले थे। जब मेराज से आप वापस तशरीफ़ लाए, आपने वापस आने के बाद उम्मे हानी से कहा कि इस तरीके से मैं मेराज करके आया। उस वक्त उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या कहा कि हुजूर देखिए, आपने मेराज की है मुझे यकीन है, मुझे तो कोई शक नहीं। अल्लाह का नबी कह रहा है कैसे शक होगा, अल्लाह करने वाला है, कौन शक करेगा ईमान वाला। लेकिन बात यह है कि मक्का वाले जो है ना पहले से आपसे खिलाफ हैं, और आप ये बात सुनेंगे तो एक और मौका उनको हाथ में आ जाएगा, वो आपको वैसे भी झूठा कहते हैं और इस बात को भी झूठी साबित करने के लिए फिर बहुत कोशिश करेंगे, और एक मौका इनको और मिल जाएगा कि देखो कैसी बातें करते हैं कि थोड़े से वक्त में यहाँ से मुल्क शाम गए, सऊदी और सीरिया तो कितना दूर है, वहाँ गए, फिर वहाँ से सातवां आसमान पर गए, फिर आ भी गए, उसमें जन्नत भी देखी, दोजख भी देखी, फुला फुला से मुलाकात हुई, तो इनको एक और मौका मिल जाएगा, वो आपको झूठा साबित करने की भरपूर कोशिश करने लगेंगे, इसलिए आप लोगों के सामने इस वाक्य को बयान ना करें। इससे भी साबित होता है कि उम्मे हानी ने आपको मना क्यों किया, क्या बयान मत करना, सिर्फ रूह गई ऐसा कहा होता हुजूर ने तो उसमें तो फिर रोकने की कोई बात नहीं थी, रूह तो कहीं भी जा सकती है सेकंडों में, अभी हम बैठे बैठे घर पहुंच सकते हैं ख्यालात की दुनिया में। उम्मे हानी ने रोका वो इस वजह से कि आप जो जिस्मानी मेराज की बात कर रहे हैं कि आपका जिस्म गया था ऊपर तक अर्श मौला तक, ये खिलाफ आदत एक चीज है, कम वक्त में शॉर्ट टाइम में ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप ये बात मक्का वालों के सामने कहेंगे तो आपको झुठलाएंगे। ये भी इस बात की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज नसीब हुई वो जिस्मानी हुई, सिर्फ रूहानी नहीं थी। तीन दलील है। चौथी एक दलील के हिरकल एक बादशाह था मुल्के रोम, रोम को आज के दौर में हम इटली कहते हैं, वहाँ के बादशाह का लकब होगा हिरकल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी खत लिखा था। हम जानते हैं कि हुजूर ने आखिर में तमाम बड़े बड़े जो सरदार थे, बड़ी बड़ी जो सल्तनतें थी ईसाइयों की यहूदियों की, उनको खतूत लिखे थे और खत के जरिए उनको ईमान की दावत दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह रूम यानी रूम के बादशाह हिरकल को भी एक खत लिखा था, और खत लेकर किनको भेजा था? हजरत दिहिया रदी अल्लाह तआला अन्हु। जब वो वहाँ पहुँचे, हिरकल बादशाह ने हुजूर का खत मुबारक पढ़ा। वो इंसाफ पसंद आदमी था, ईसाई था लेकिन इंसाफ पसंद था। उसको तजस्सुस हुआ, उसको ये शौक हुआ कि ये जो मोहम्मद है, जो अपने आप को नबी डिक्लेयर कर रहे हैं, नबी बता रहे हैं, उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी चाहिए। चुनांचे उसी जमाने में मक्का का एक काफिला तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम गया हुआ था। मक्का वाले मुल्क शाम तिजारत के लिए जाते थे। उस काफले में अबू सुफियान भी थे जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे। हिरकल ने हुक्म दिया कि मक्का का जो काफला हमारे मुल्क में तिजारत की गर्ज से आया है, व्यापार के लिए आया है, उनको मेरे सामने पेश करो, ताकि मैं ये जो मोहम्मद नामी शख्स है जो अपने आप को नबी कहते हैं उनके बारे में जरा तहकीक करूँ। चुनांचे अबू सुफियान और दूसरे जो साथी थे काफले में उनको लाया गया। हिरकल बादशाह ने पहले सवाल किया कि ये जो मोहम्मद नाम के शख्स है, तुम में से कोई उनका ज्यादा करीबी है, रिश्तेदार हो, एक खानदान का हो, ऐसा कोई आदमी है? अबू सुफियान ने कहा कि मैं करीबी हूँ। तो अबू सुफियान से कहा कि तुम आगे आ जाओ, बाकी सबको कहा तुम पीछे बैठ जाओ। हिरकल ने कहा कि मैं कुछ सवालात आपसे कर रहा हूँ, आप सही सही जवाब देना मोहम्मद के बारे में। फिर कुछ सवालात किए कि ये जो मोहम्मद है उनका खानदान कैसा है, बड़े खानदान के हैं कि फिर वही कोई लल्लू बन जो आदमी है?
तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत बड़े खानदान के हैं, उनका खानदान तो बहुत मुअज्जज है, इज्जत वाला है। ठीक है, हिरकना ने कहा कि इनके खानदान में कोई बादशाह गुजरा है? अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, कोई बादशाह नहीं गुजरा। चलो ठीक है, हिरकना ने फिर सवाल पूछा कि इनको झूठ बोलने की कोई आदत हो, ऐसा कभी मालूम हुआ? इन्होंने जब अपने आप को नबी डिक्लेयर किया उससे पहले भी कभी झूठ बोले हो ऐसा? तो अबू सुफियान चाहते हुए भी इनकार कर दिया उन्होंने, वो तो चाहते थे कि नबी को झूठा साबित करें, नबी को हकीर कर दे, बादशाह की नज़रों से गिरा दे, लेकिन एक ऐसा वस्तु था कि दुश्मन भी आपको मामला की लाइन से झूठा नहीं कह सकते थे। अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, झूठ तो आज तलक हमने नहीं सुना, बल्कि हमने तो उनको सादिक का लकब दिया है कि आप सच्चे। हिरकल ने और कुछ सवाल किए। अबू सुफियान कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, अब वो दलील कि हुजूर को मेराज जिस्मानी हुई थी, वो दलील। अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि कोई ऐसी झूठी बात कह दूं हिरकल के सामने जिससे हुजूर की शान उसके सामने घट जाए, हुजूर की इंसल्ट हो, हुजूर की जिल्लती हो, ताकि हिरकल आपके बारे में जानना छोड़ दे, तजस्सुस छोड़ दे और आपको हकारत की नज़र से देखने लगे। अबू सुफियान कहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात, अबू सुफियान मुसलमान नहीं है, हुजूर के दुश्मन है, अपने दुश्मन के बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि झूठ बोलना अच्छी चीज नहीं है। झूठ बोलना कौन कह रहा है? मुशरिकीन मक्का के सरदार उस वक्त के अबू सुफियान कह रहे हैं कि झूठ बोलना अच्छी चीज नहीं, और हम मुसलमान होकर बात बात पर झूठ बोलते हैं, एक बात में तीन मरतबा झूठ बोलते, शुरू में भी, बीच में भी और अकेले। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने एक रिवायत सुनाई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मजाक मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे, यानी मजाक में भी ना बोले, मैं जन्नत के बीच में उसको ठिकाना दिलाने की गारंटी लेता हूँ, जन्नत के बीच में झूठ बोलना छोड़। बहुत बड़ी नहुसत, किसी से पैसे लिए हैं, उसका फोन आया, घर में है, अब बच्चे को फोन दे दिया, जागता है, बच्चे को देते हैं, अब्बा सो गए ले, अब्बा टॉयलेट में है, अब्बा ये कर रहे हैं, अब्बा बाजार गए ले, हर चीज़ में हम झूठ बोलते। रोजे की हालत में अगर हदीस है, हुजूर ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो झूठ बोलना ना छोड़े और झूठ पर अमल करना ना छोड़े, फला हाजत लिल्लाह यदा तआमहु व शराबा अव कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई परवाह नहीं और कोई ज़रूरत नहीं, कोई सवाब नहीं मिले। झूठ से अपने आप को बचा, अपने बच्चों को भी सच बोलने की आदत डाले। हुजूर का फरमान है असिदकु युंजी, सच्चाई आपको नजात दिलाए, परेशानी आएगी अगर कोई ऐसा मौका होगा, लेकिन जीत आपकी होगी, फतह आपकी होगी और जन्नत तक आपको पहुंचा देगी। खैर, अबू सुफियान मुशरिक होकर भी कहते हैं कि मैंने सोचा, मैं चाहता था कि झूठ बोलकर हुजूर का मर्तबा और दर्जा घटा दूं, लेकिन मुझे एक डर हुआ कि अगर मैं झूठ बोल दिया तो झूठ बोलना अच्छी चीज़ नहीं। और हिरकल ने शुरू में उसके साथियों से, अबू सुफियान के साथियों से कहा था कि मैं जितनी बातें इनसे पूछूँ, जवाब में अगर ये आदमी झूठ बोले तो तुम लोग उसको रोक देना, बता देना कि झूठ है। अबू सुफियान कहते हैं मेरे दिल में खतरा हुआ कि अगर पीछे से कोई कह देगा कि झूठ बोलता है, तो फिर झूठ बोलने की वजह से बादशाह की निगाहों से मैं गिर जाऊंगा, बादशाह मुझ पर एतमाद नहीं करेगा और फिर लाइफ टाइम मेरे ऊपर झूठा होने का सिक्का लग जाएगा, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अबू सुफियान ने सब सच्चे सच्चे जवाब दिए, लेकिन एक शरारत की। क्या की? कि बादशाह सलामत एक चीज है, अगर आप जानना चाहते हो कि मोहम्मद कैसे हैं, क्या है, तो मैं एक बात उनके मुतालिक आपको बताता हूँ, वो सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सच्चे हैं कि झूठे हैं, आप खुद तय कर लेंगे, नक्की कर लेंगे। हिरकल ने कहा बताओ। अब सुनिए, अबू सुफियान ने कहा कि वो जो मोहम्मद है, जो अपने नबी होने का दावा करता है, उनका एक दावा ये भी है कि वो एक रात रातों रात थोड़े से टाइम में मक्का से निकलकर आपकी मस्जिद अक्सा तक आए थे, मुल्क शाम तक आए थे, सऊदी से मुल्क शाम तक, और फिर यहाँ से सातों आसमानों पर गए थे, फिर वापस आए थे और मुख्तसर वक्त में, बिल्कुल शॉर्ट वक्त के अंदर वापस मक्का आ गए थे। अब इस वाक्य से आप अंदाजा, अबू सुफियान यही इशारा करना चाहते थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, मेराज का वाक्य झूठा है,
ये साबित करना चाहता चाहते थे। हिरकल के सामने जब ये बात की गई, हिरकल भी ताज्जुब करने लगा, लेकिन उस वक्त हिरकल के पास फलस्तीन का मुल्क शाम का एक बहुत बड़ा आलिम मौजूद था। आलिम वो फौरन बोला कि उस रात को मैं जानता हूँ, जिस रात ये वाकया पेश आया उस रात को मैं जानता हूँ। बादशाह उधर देखने लगा, तुझे कैसे मालूम? उस आलिम ने कहा कि बात दरअसल ये है कि मेरी आदत है कि रोज़ाना सोने से पहले बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा के तमाम दरवाजे में बंद कर देता, जब तक दरवाजे बंद नहीं करता वहां तक मैं सोता नहीं। लेकिन उस रात ऐसा हुआ कि तमाम दरवाजे बंद हो गए, लेकिन एक दरवाजा मैंने बहुत कोशिश की फिर भी बंद नहीं हुआ। मैं बंद करने जा रहा हूँ, बंद नहीं हो रहा, मैं परेशान हो गया। मैंने अपने साथियों को बुलाया कि दरवाजा बंद करने में मेरी मदद करो। एक पूरी जमात आई, हम तमाम ने जोर लगाकर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद हुआ नहीं। फिर हमने मिस्त्री को बुलाया, नज्जार बढ़ई को, कारीगर को, और बुलाकर कहा कि देखो भाई ये दरवाजे को क्या हो गया, बंद नहीं हो रहा, अब रात का वक्त होगा। वो आया बढ़ई मिस्त्री आया, उसने देखकर कहा कि दरवाजे के ऊपर की जो दीवार है उसका वजन आ गया है दरवाजे के ऊपर, इसलिए दरवाजा क्या हो गया है, जाम हो गया है। अब रातों रात अंधेरे में इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए ये दरवाजा छोड़ दो, सुबह में उजाले में हम देखेंगे और इसका कोई रास्ता निकालें। खैर पूरी रात दरवाजा खुला रहा। फिर वो आलिम कहने लगा कि जब सुबह में मैं मस्जिद अक्सा वापस आया तो मैंने देखा कि दरवाजे के साथ एक बड़ी चट्टान पड़ी हुई है और चट्टान में एक सुराख है। ऐसा मालूम होता था कि उस चट्टान के साथ कोई जानवर बांधा गया था, और मुझे इससे महसूस हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरवाजा बंद नहीं होने दिया क्योंकि उस रात उसका कोई नबी यहां आने वाला था, और कुछ ऐसे आसार और निशानियां भी मालूम होती है कि उस रात में इस मस्जिद में जमात के साथ नमाज भी हुई, क्योंकि हुजूर ने तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई थी। तो ये भी एक इस बात की दलील है, वो आलिम की गवाही, ईसाई आलिम की गवाही, कि उस रात दरवाजा बंद नहीं हुआ, दूसरे दिन दरवाजे के पास एक चट्टान में सुराख था और ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई जानवर बांधा गया है, और कुछ ऐसे निशानात भी मिले जिससे मालूम होता था कि यहाँ जमात के साथ नमाज पढ़ी गई है। इससे भी मालूम होता है कि हुजूर अपने जिस्म के साथ मेराज के लिए तशरीफ ले गए थे, सिर्फ आपकी रूह नहीं गई थी। खैर बहुत सारी दलाइल इस बात पर मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अथर के साथ मेराज में तशरीफ ले गए थे। सबक का खुलासा कि मेराज ये सरासर इज्जत है, ताजीम और तकरीम है, अवार्ड है, लेकिन ये अवार्ड कब मिलता है, बे इंतहा कुर्बानियों के बाद। हमारे लिए आज के दर्स में दर्स ये है, आज के सबक में सबक ये है कि हम भी दीन की लाइट से खूब कुर्बानियां पेश करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी एजाज नसीब फरमाए। कारोबार की लाइन से भी आदमियों को तजर्बा होता है कि कोई भी कारोबार एकदम से सेट नहीं हो जाता, एकदम से आदमी मशहूर नहीं हो जाता, और अगर कभी हो भी जाए तो बहुत जल्दी मंजर से गायब भी हो जाता है। लेकिन कारोबार को परवान चढ़ने में, तरक्की होने में कई साल निकल जाते, हुकूमतें भी किसी एक पार्टी के ऐसे ही नहीं बन जाती, कई सदियों तक सालों तक वो मेहनत करते हैं, उसके बाद उनकी बारी आती। ये सिस्टम है दुनिया का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन और आसमान और तमाम चीजों को 7 दिनों में बनाया, 6 दिनों में बनाया, 6 दिनों में। अब 6 दिन में अल्लाह ने क्यों बनाया, अल्लाह चाहता तो एक ही घड़ी में बना देता, एक ही दिन में बना देता। अल्लाह हमें बताना चाहता है कि ये दुनिया है और यहाँ हर चीज तरतीब से चलेगी, स्टेप बाय स्टेप चलेगी। आज हम जिल्लती से दो चार हैं, एक हमारा दौर था कि हम पूरी शान और शौकत के साथ जिंदगी गुजारते थे, आज जिल्लत है। लेकिन आज भी अगर हम दीन के कामों में लगे रहे, दीन की दावत लोगों तक पहुंचाने में लगे रहे, तो वो वक्त भी इंशाल्लाह जरूर आएगा कि फिर हम इज्जत की सरबुलंदी पर पहुंचेंगे। इसलिए आज के सबक का खुलासा कि मेराज ये इज्जत और तकरीम है, इनाम है, और ये मेहनत और मशक्कतों के बाद मिलता है। हम में से हर साथी एक इरादा करे पक्का कि इंशाल्लाह हम भी दीन की लाइन की खूब मेहनतें करेंगे। बच्चा छोटा होता है तो अलिफ्बा भी ठीक से बोल नहीं सकता, फिर दूसरे साल अलिफ्बा पहचानता होता है, फिर हुरूफ को हुरूफ से मिलाता होता है,
फिर एक एक आयत पढ़ता होता है, फिर अंदर देखकर कुरान पूरा होता है, और फिर पूरा कुरान मुंह पे कर लेता है, फिर और मेहनत करता है तो इसका तर्जमा भी समझ लेता है और फिर तफसीर भी समझ लेता है। मुसलसल आप किसी चीज के पीछे लगेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे के रास्ते अल्लाह ताला खोल देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को दीनी कामों में खूब मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए।